हेलो फ्रेंड, आज का दिन जानेंगे अगर आप इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं और अगर आप उसको जो है गले में सेव करना चाहते हैं वो भी गाने के साथ में, तो आप किस तरीके से सेव कर सकते हैं वो भी बिना पोस्ट किए। अगर आप लोग जो इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं, ठीक है, वो भी गाने के साथ में, और अगर आप उसको गले में सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो उसको इंस्टाग्राम पर शेयर करना पड़ता है, फिर जाकर आप जो उसको गले में सेव कर पाते हैं वो भी गाने के साथ में। तो इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आप इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं और अगर आप उसको गले में सेव करना चाहते हैं गाने के साथ में, तो किस तरीके से सेव कर सकते हैं वो भी जो है बिना पोस्ट किए, बिना इंस्टाग्राम पर शेयर किए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टाग्राम ऐप ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर ऊपर आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, आपको प्लस का आइकन पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको जो रील्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको रील्स पर क्लिक कर देना। रील्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो आपके फोन का कैमरा है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो आइडियो पर क्लिक करना और यहाँ से आपको जो है कोई एक म्यूजिक सेलेक्ट कर लेना है जिस म्यूजिक के साथ आप वीडियो बनाना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक म्यूजिक सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। म्यूजिक सेलेक्ट करने में यहाँ पर आपको डन का ऑप्शन देगा, आपको डन पर क्लिक कर देना। डन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो आपका म्यूजिक है यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो टाइमिंग सेलेक्ट कर लेना है कि जो आपका टाइमिंग हो कितने सेकंड का वीडियो बनना चाहिए, 15 सेकंड का बनना चाहिए या 30 सेकंड का। यहाँ पर हम जो 15 सेकंड का सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो सर्कल दिख रहा है आपको इस पर टाइप करके और आपको यहाँ पर जो वीडियो क्रिएट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर जो हम इस सर्कल के ऊपर टाइप करके यहाँ पर जो हम अपना वीडियो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो वीडियो था यहाँ पर बन चुका है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर बहुत लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर उनको जो है डाउनलोड का आइकन दिख जाता है, वो डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर उनका जो वीडियो है वो गैलरी में जो है गाने के साथ सेव नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं पहले ही बोल देता है कि यहाँ पर अगर आप इसको जो है सेव करेंगे तो यहाँ पर इसमें गाना सेव नहीं होगा, जो म्यूजिक है वो सेव नहीं होगा, ठीक है। विदाउट म्यूजिक आपके गैलरी में सेव होगा। तो यहाँ पर आपको जो है क्या करना, आपको जो कैंसिल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो डाउनलोड का आइकन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक नहीं करना। नीचे आपको जो ये एरो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर आपको जो इस एरो पर क्लिक करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना, अगर आप इसमें कोई स्टिकर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्टिकर का आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आप जो स्टिकर वगैरह ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमें कोई भी स्टिकर ऐड नहीं करना। तो नीचे आपको जो एरो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप जो है जो आपने यहाँ पर वीडियो बनाया अगर आप उसको गैलरी में सेव करना चाहते हो वो भी गाने के साथ में, तब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो एक ऑप्शन दिखेगा स्टोरी का, आपको स्टोरी पर क्लिक कर देना। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, स्टोरी के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लोज फ्रेंड का, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा क्लोज फ्रेंड के सामने यहाँ पर शेयर, तो आपको शेयर पर क्लिक कर देना। शेयर पर क्लिक करते यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से जगह, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है ऐड टू लिस्ट, तो आपको जो ऐड टू लिस्ट पर क्लिक कर देना। एंड यहाँ पर आपको जो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना। एंड यहाँ से आपको क्या करना, आपको जो है किसी एक फ्रेंड को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी आपके फ्रेंड हो गए सारे फ्रेंड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप चाहे तो आप किसी को यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको सर्च बार दिया गया है, अगर आप जो है किसी फ्रेंड को सर्च करके अगर आप जो है उसको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो है किसी का आईडी सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपना आईडी सर्च कर लेता हूँ और आईडी सर्च करने के बाद यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको जो बैक आ जाना है, बैक आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपको जो है यहाँ पर लिखा क्रिएट लिस्ट, आपको सिंपली क्रिएट लिस्ट पर क्लिक कर देना। एंड क्रिएट लिस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो क्लोज फ्रेंड के सामने यहाँ पर लिखा शेयर, अब आपको यहाँ पर क्या करना है शेयर पर क्लिक कर देना। शेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रील्स में आ जाना है, ठीक है। रील्स में आने के बाद अगर आप इसको जो है ड्राफ्ट वगैरह में सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है इसको सेव कर सकते हैं ड्राफ्ट में। तो अगर आप इसको पोस्ट नहीं करना चाहते, अगर आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपको शेयर पर क्लिक नहीं करना, यहाँ पर आपको स्टोरी में आ जाना है। यहाँ से आपको डन कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका वीडियो था वो गाने के साथ यहाँ पर स्टोरी लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टोरी लग जाएगा और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो आपका स्टोरी लगा वो सभी लोग नहीं देख पाएंगे, जितने भी आपके फॉलोअर होंगे सभी लोगों के पास से स्टोरी नहीं जाएगा। जिस फ्रेंड को आपने यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है, यहाँ पर जिस फ्रेंड को आपने ऐड किया है सिर्फ वही फ्रेंड आपका जो स्टोरी देख पाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना आई डी यहाँ पर जो है ऐड किया है, तो यहाँ पर जिसको आप ऐड करेंगे, जिस आप एक फ्रेंड को ऐड करेंगे वही एक फ्रेंड आपका जो है स्टोरी देख पाएगा। अब आपको अगर इसको गले में सेव करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो इस स्टोरी को ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखा अभी ये जो स्टोरी है यहाँ पर थोड़ा सा लोड ही नहीं रहता, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारा स्टोरी यहाँ पर लग चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जो ऊपर की ओर कुछ इस तरीके से स्लाइड करना है, ठीक है, आपको ऊपर की ओर कुछ इस तरीके से स्लाइड करना है। उसके बाद देखेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक डाउनलोड का आइकन दिख रहा है, आपको जो डाउनलोड आइकन पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है सेव टू कैमरा रोल, आपको सेव टू कैमरा रोल पर क्लिक कर देना। एंड यहाँ पर ये जो वीडियो है आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर जो दो ऑप्शन मेरे आई डी पर आ रहा था, हो सकता है कि आप में जो है न आए, तो डायरेक्टली यहाँ पर जो है अगर नहीं आता तो डायरेक्टली जो आपका वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो है बैक आ जाना है, बैक आने पर यहाँ पर आपको जो है मैं गैलरी में चल के दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो हमारा वीडियो है यहाँ पर सेव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हमारा ये रहा वीडियो, ठीक है, जिसको मैंने अभी सेव किया है। एंड यहाँ पर मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ,
यहाँ पर देखते हैं ये जो गाने के साथ में ये जो है सेव हुआ है, और आप चाहे तो आप इंस्टाग्राम में ये जो आपका स्टोरी लगा हुआ है डिलीट कर दीजिएगा। जब आप इसको गले में सेव कर ले तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके आप इसको डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके से आप जो है इंस्टाग्राम वीडियो को गले में सेव कर सकते हो अभी गाने के साथ में बिना पोस्ट किए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड जो उसको मोबाइल का आइकन दो उस पर क्लिक करके ऑल प्रेस करके वीडियो देखो सबसे पहले।